तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि पबजी मॉन्टेज लाया जाए या पबजी गेम प्ले, कृपया करके प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि क्या किया जाए और अपने भाई को सुझाव दें। तो गाइस फिर से आ गए हैं एक नए गेम प्ले में जहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक से सीन होने वाले हैं। तो गाइस मैं आज रैंडम खेल रहा था, जो बंदा रैंडम है वो मुझे छोड़ के मिलिट्री बेस चला गया और मैं यहाँ जॉर्जपुर में आ गया। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, मतलब गेम प्ले को पूरा देखना, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक सी फाइट है इसमें। अब देखना, आप उतर गया मैं यहाँ पर, काफ़ी ढेर सारे बंदे। तुम्हारे भाई को शॉटगन मिली, तो गाइस पहला बंदा जो आगे भागा था उसको मैंने रहने दिया क्योंकि वो बंदा बिना गन के था, क्योंकि उधर साइड भी ज़्यादा बंदे थे। जो मेरे राइट वाले में हैं वहाँ भी बहुत बंदे हैं, इसलिए मैं उधर पुश नहीं किया। तो पहले तो यहाँ पे लूटेंगे, यहाँ पे काफ़ी होल्ड करके खेलना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, जहाँ देखो बंदे ही बंदे। तो इसको मारने का ट्राई तो करता हूँ मैं, पर मेरे राइट में भी बंदे थे इसलिए मैं कुछ नहीं करता यहाँ पर, मतलब छोड़ देता हूँ उसको। तो गाइस मैं जाता हूँ आगे रस करने, क्योंकि आगे एक बंदा फायर दे रहा था, उसने अभी अभी एक बंदे को मारा था आगे। दिखता तो नहीं मेरे को वो बंदा, पर पहले मैं सोचता हूँ कि बंदा अंदर होगा, तब तक बंदा अंदर नहीं होता। तो गाइस ये बंदा दिखता है मेरे को जो कि आगे की तरफ से आ रहा था और इसको आसानी से निपटा दिया मैंने। तो गाइस मैं बात करूँ इस गेम की, तो चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो बंदा है पर वो बाइक रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे बंदे आए हैं और ऐसे कैंपर हैं ना इधर, क्या ही बताना, ऐसी कैंपिंग कर रहे बंदे की क्या ही बताना गाइस। पहले तो इसको लूटेंगे, मेरे पास एमओ कम है। इसको मारने का ट्राई तो किया था मैंने पर ये बंदा भाग गया, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे यहाँ से। और उधर से मेरे पर पड़ती है और तुम्हारा भाई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, अब देखते हैं आगे की तरफ कितना बंदे हैं और क्या सीन है। तो गाइस इधर की साइड तो क्लियर हो गया था, तो मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ। तभी दिखते हैं मेरे को शॉटगन वाले भाई साहब, मतलब डबल शॉटगन बोलते हैं इसको, डीबीएस और डीएबीएस और SK-12 की फाइट हुई यहाँ पर। SK-12 जीत गई, मतलब मैंने उसको SK-12 से मार दिया। तो गाइस अभी भी बहुत सारे बंदे हैं इधर जो कि काफ़ी ख़तरनाक कैम कर रहे हैं। तो आपको ऐसी लॉबी कमी मिलती है, खासकर गाइस मैं डुओ ही खेलता हूँ। आप मेरा गेम प्ले पसंद आता है तो बताना। तो एक दो बंदे आगे से मारते हैं मेरे को,
तो मैं डुओ ही खेलता हूँ गाइस ज़्यादातर। तो आपको अगर गेम प्ले पसंद आता है तो अपने भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि तुम्हारा भाई डेली वीडियो डालता है, डेली कंटेंट डालता है गाइस। तो आगे की तरफ बंदे हैं मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारा भाई यहाँ से होल्ड करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि बंदे इतनी खतरनाक कैंपिंग कर रहे हैं क्या ही बताना। तो तुम्हारा भाई यहाँ से इधर साइड से आता है, मैं सोचता कि बंदे आएंगे पर बंदे नहीं आते। तो गाइज़ मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट करता हूँ, पर उन बंदों का पुश करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो वैसे कैंपरों के साथ लड़ने से बढ़िया इनको थोड़ा दिमाग से मारो, मतलब स्ट्रेटजी से मारो, मेरा यही कहना है। तो गाइज आगे की तरफ दो बंदे हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक बंदों को निपटा रहे थे। तो मैंने दिमाग लड़ाया कि भाई इन पर पुश करना बेकार ही है, क्योंकि दोनों आगे ही कैम्प कर रहे हैं, कैम्प करने का मतलब होल्ड करके रखे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई थोड़ा वेट करता है, तो तुम्हारे भाई का बंदा भी यहाँ पर नॉक हो गया, जो कि भाई साहब मिलिट्री उतरे थे। और आगे बंदे हैं, उनका वेट करता हूँ मैं थोड़ा कि कब आए वो बंदा और कब मैं उसको पेलूँ। तो दिखाया उसने मुंडी, अब ट्राई करेंगे इसको मारने का। भाई साहब, तो गाइस तुम्हारा भाई एक बंदे को ले लेता है और यहाँ पे आसानी से नॉक कर देता है। अब मुझे इंतज़ार था तो इसके दूसरे बंदे का था, और वो कब मेरे पे आए और मैं कब उसको मारूं। थोड़ा वेट करते हैं गाइस। तो भाई साहब ने नेट फेंका, तुम्हारे भाई ने देखा क्या करेक्ट टाइम पे इधर आ गया। तो गाइस ये बंदा नेट फेंकने की फिराक में था और इसको मार दिया। पहला नेट से तो मैं बच ही गया था। अक्सर बंदे ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे किसी बंदे ने फायर दिया तो वहीं पे नेट कर देते हैं। तो आसानी से इन दोनों को निपटा दिया, पर काफ़ी बंदों को पेला था इन दोनों ने, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वैसे। तो गाइस अभी मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, मतलब अभी नया नया कर रहा हूँ मैं वॉइस ओवर, तो अभी भी कोई गलती हो तो बताना गाइस कमेंट करके, मतलब क्या दिक्कत आ रही है बताना, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करना जैसे कर रहे हो आप। और यहाँ पर अब जोन में जाने की बारी थी गाइस, तो मैं यहाँ पर जोन में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरा जोर जोर खाली हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऑल डेड होगी? अब देखना आप, भाई साहब कैंपरों से मिलाना था ना आपको, अब देखना आप असली कैंपर, ठीक है। भाई साहब देख रहे हो क्या बोलना, तब मैंने सोचा ऑल डेड हो गया, भाई साहब जोन पूरा आ गया, अब तो अभी भी बंदे इधर ही हैं, अब क्या बोलें, इससे खतरनाक कैंपर दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मरते मरते बचा, तो भाई साहब जॉन इतना खा रहा था ना क्या ही बताना। तो मैंने पहले हेल्थ लगाने की सोची, मुझे लगा यहाँ पे ऑल डेड हो गया है। अब देखना अब मैं इसको लूटने जाऊँगा, तो देखना गाइस। भाई साहब मतलब क्या है, मतलब ये यार जॉन भी आ गया फिर भी बंदे अभी भी कैंप कर रहे हैं इधर, क्या ही बोलना। देख रहे हो नेट फेंक रहा बंदा, मुझे पता था उसने नेट ही करना अंदर, तो मैं इधर पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि भाई घास में लेटा था, इतना धुएं में कुछ दिख भी नहीं रहा था कोहरे में, तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे होल्ड करना ही बेटर है गाइस। तो भाई मैं बोलता कि इनको छोड़ो जोन में चलो, यही सोचता हूँ मैं, अब तो जोन में ही जाएंगे हम। यहाँ से ट्राई करता हूँ वैसे मैं उसको देखने का, पर बंदा दिखता नहीं है। ऐसा अभी क्या मजा गाइस, देख रहे हो आप क्या ही बोले यार, मतलब बंदा इतनी स्ट्रेटजी सा खेला, आप ऐसे कर रहे हो, एक गेडी का बंदा, एक गेडी का भाई, लेट सांप बन के लेट हैं भाई साहब। तो गाइस यार होल्ड यही थी वीडियो, तो कैसी लगी वीडियो बताना, डेली ऐसे बोलता हूँ मैं। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना गाइस, आपको अच्छे अच्छे गेम प्ले दिखेंगे मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।